पर्याप्त नहीं था, आप पे जानकारी नहीं थी, आपको रूट आपने निर्धारित नहीं किया था, फिर आपका जो समय 3 बजे निकलने का था वो 5 बजे क्यों निकला? नवाज के समय में ये आपका सबसे बड़ा फेल्योर रहा। उस समय पे जिला प्रशासन को और प्रशासन को दोनों को संज्ञान लेते हुए मीटिंग बैठा लेनी थी कि अगर कोई जुलूस निकल रहा है तो उसके साथ में सुरक्षा बल साथ में मुहैया कराना चाहिए था। अगर कोई विवाद की स्थिति बनती तो हाल के हाल उसी समय पे पटाक्षेप हो जाता, पर वो क्यों है ना वहाँ पे पुलिस प्रशासन नहीं दिया गया, क्या कारण रहा ये तो गृह विभाग बता सकता है, गृह मंत्री बता सकते हैं क्या कारण रहा, क्या ये डीजी साहब को है ना संज्ञान लेना चाहिए था वहाँ का जो नहीं नहीं तो कहा डीडी शर्मा ने कि जो अफसर दोषी होंगे उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी भी पूरी पड़ताल होगी। दोषी हो ही गए ना लापरवाही की, अफसर तो सुनिए अफसर तो अब दोषी हो ही गए ना, अफसर दोषी होने का कारण क्या रहा? आपकी सीआईडी फेल है, आपके गृह विभाग फेल है, गृह विभाग में सुनिए तो गृह मंत्री जी सुबह लिपस्टिक पाउडर लगा के 5 पत्रकारों के संग बैठ जाते हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी को कोर्ट के अपने अंदर कक्ष में चले जाते हैं, तो पहले तो आप अपने प्रदेश का संज्ञान लो ना, प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। जब राजस्थान के अंदर इतना बड़ा दंगा हो चुका था तो आपने मध्य प्रदेश में संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये जो हमारे गृह मंत्री सिद्धार्थ जी प्लीज, जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो क्या सारा सब्र हम ही रखें, सारे नियम कायदों का पालन हम ही करें, 4 कदम पीछे हम ही चलें, ये दूसरे तरफ से क्यों नहीं बात? ये आप लोग कभी ये जैसे साहब अशोक गहलोत ने कहा, अरे वहां जाके नारे नहीं लगाने चाहिए थे, वहां जाके गाना नहीं बजाना चाहिए था, वहां से जुलूस ही नहीं निकालना चाहिए था, फिर कहा कि गंगा जमुनी तहजीब अगर इतने खौफ में जीना सबको तो? देखिए मैं आपकी कई बातों से सहमत हूँ, कई बातों से असहमत भी हूँ। देखिए सर्वप्रथम तो मैं बताऊँ की आज के समय में जो दौर चल रहा है ये डीजे का दौर चल रहा है, आज से 20-25 साल पूर्व अगर आप जाए तो बड़ा शांति प्रिय तरीके से जुलूस निकलते थे, नाचते गाते हुए निकलते थे। आजकल जो जुलूस मतलब डीजे निकलने लगे हैं, डीजे की जो धुन है उसमें जो आज आप कहते हैं उन पर बैन लगना चाहिए? नहीं नहीं बैन नहीं लगना चाहिए, आप उनकी प्रॉपर परमिशन लेके, जब एक समय मुख्यमंत्री जिस समय नौमी स्टार्ट हो रही थी तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच से बोल रहे थे कि ये वो मध्य प्रदेश है, आज देखो आज यहाँ पे नौमी भी है और रमजान भी, दोनों एक साथ हो रहे हैं और गले मिल रहे हैं, उधर मुस्लिम भाई से गले मिल रहे हैं, इधर जाके है ना कन्याओं के पैर छू रहे हैं, और आज जाके हमारे ही प्रदेश में इतना बड़ा कांड हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। संज्ञान कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए, लेकिन ठीक है आपका पॉइंट आ गया कि भाई और एक्स्ट्रा अलर्ट रखा जाना चाहिए था ऐसे मौकों पर। तो धैर्यवर्धन जी ये जो एक्स्ट्रा अलर्ट नहीं रखा आपके पुलिस प्रशासन की टीम ने, उसका खामियाजा वहां पर बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ा, कुछ आज भुगत रहे हैं जिन्होंने कल पत्थर चलाया, वो औलादों ने पत्थर चलाए होंगे, माँ बाप उसकी सजा भुगत रही है, कई जो 70 से ज्यादा लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं वहां पर, कई ऐसे इलाके हैं जो कल पत्थरबाजी का शिकार हुए वो अपने रिश्तेदारों की मदद से किसी तरह जान बचाकर भागे, तो ये बड़ा ये खौफनाक हमें लग रहा है, अगर ये हालात दोबारा पैदा हुए तो फिर क्या किया जाएगा? ये जो बात वही आ रही बार बार की फिर फ्री हैंड देने का मतलब क्या? धैर्यवर्धन जी जल्दी से आखिरी आपका जवाब। जिसकी माँ पल पल पर प्रभु से अपने बेटे की जान बख्श देने के लिए प्रार्थना कर रही हो, क्या उससे ज्यादा खौफनाक है उन गुंडों पर कार्रवाई करना? इससे भी ज्यादा खौफनाक कुछ बनता हो तो करना चाहिए। किस दिशा में समाज को ले जा रहे हैं आप? अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए, और ये लोग क्या सिखाते हैं कि बच्चों के हाथ में पत्थर होना चाहिए, बच्चों के हाथ में पेट्रोल पंप होना चाहिए? इस 21वीं सदी में बच्चों को ये पत्थर फेंकने की आदत है किसने सिखाई? इसी धर्म के कट्टरवादी लोगों ने। आप देखिए किसने सिखाया कि पेट्रोल भर करके उसमें लोहे की छोटी छोटी कील भर के आग लगा करके फेंक देते पेट्रोल पंप बन जाता है, ये दिल्ली के दंगों में किसने सिखाया? इसी धर्म के लोगों ने। और इस धर्म के लोग जो बात बात पर तौबा तौबा करते हैं, कभी ऐसे लोगों से तौबा नहीं करते, इन लोगों को कभी नहीं सिखाते कि देश को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे बढ़े हुए कदम हम लोगों को लज्जित करेंगे। इसलिए ठीक है, इससे ज्यादा आप ये कि आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए धैर्यवर्धन जी, और हमें लगता है जो लापरवाह अफसर रहे जिनकी वजह से हालात समय पर कंट्रोल नहीं हो पा उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष जी एक छोटा सा कमेंट, क्या वही बात है कि एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें आप, कहाँ कहाँ लगाएंगे, या फिर क्या इस समस्या का कोई हल है? हालांकि सालों से दशकों से इस समस्या से जूझ रहा है पूरा देश, तो या ये जो कार्रवाई हो रही है ठीक है, इससे एक मैसेज जाएगा? जी देखिए मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपने स्तर पर एक जो विधेयक पास कर लिया, कानून बना लिया कि इस तरह से सार्वजनिक या निजी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ
संवैधानिक दायरे में उसको ले आए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामाजिक हमारी जो संरचना है उसमें हम सबको ये सोचना चाहिए और सभी समाज के जो प्रमुख हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कट्टरता मानवता के प्रति अभिशाप है, अपराध है। अगर वो किसी भी धर्म के प्रति कट्टर हो तो चाहे वो मजहब के प्रति कट्टर हो, उस कट्टरता पर अंकुश लगाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बेहद जरूरी है जो लोगों को विधि के दायरे में लाए। संवैधानिक तौर पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए देश में ताकि इस तरह के आतताई लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो, क्योंकि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, उनका सिर्फ एक धर्म होता है कि उन्हें दंगा करना है और शांति की फिजा में जहर। तो ऐसे लोगों को जितनी सख्त से सख्त सजा गवर्नमेंट दे सकती है, सरकार दे सकती है, प्रशासन दे सकता है, उसे देना चाहिए। बेशक उसके पीछे कई तरह के आरोप लग जाए, वो सियासी तौर पर लगते रहे, लेकिन उस पर ध्यान ना देते हुए और अपनी वोट की राजनीति की रोटी ना सेकते हुए, सबसे बड़ी बात समाज के अमन चैन के वोटों की चिंता नहीं होना चाहिए राजनीतिक दलों को, खुलकर उनको विरोध करना चाहिए, गलत कोई हो, किसी धर्म का। हम तो कहते हैं हर वर्ग में चंद लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि समाज में शांति हो, एकता हो, अमन हो, तो इसीलिए उन लोगों की पहचान बहुत जरूरी होती है। और अगर कोई आपके आसपास इस तरह की हरकतें कर रहा हो, कोई समाज में विद्वेष फैलाना चाहता हो, कोई हिंसा फैलाना चाहता हो, उनका तुरंत प्रतिकार करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, वो धर्म का है या मजहब का, ये सोच करके चुप नहीं बैठना चाहिए, वरना कल को इस तरह की हिंसा का शिकार आप भी हो सकते हैं। इसलिए अब सरकार को भी देखना, पुलिस प्रशासन को भी देखना है और उन वर्गों को भी देखना है जो खुद इस समस्या से हर दिन दो चार होते हैं कहीं ना कहीं। और सियासतदानों को भी समझना चाहिए कि आप बाकी मुद्दों पे खूब राजनीति करिए, लेकिन इन मुद्दों को आप उकसाने की, भड़काने की, सुलगाने की कोशिश कतई ना कीजिए, वरना आपके भी हाथ इसी आग में जल सकते हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इससे पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डीएनएन एजेंडा में आज बस इतना ही, आप देखते रहिए डीएनएन न्यूज़। नमस्कार।